एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो अभी जस्ट मैं यही अपने कार में बैठी हुई हूँ और जॉब से निकली हूँ, मतलब जा रही हूँ घर। तो मैंने सोचा ब्लॉग का स्टार्ट कर देती हूँ। आज बहुत ही टायरिंग डे होने वाला है। यहाँ से तुरंत जो है पहले बच्चों का जो है पैक लंच वगैरह जाके बनाऊंगी। पहले तो शावर लूंगी फटाफट, उसके बाद फिर पैक लंच बनाऊंगी। उसके बाद हस्बैंड जो है आज छुट्टी ले लिए हैं, क्योंकि कृष्ण को लेकर हॉस्पिटल जाना है। आज उसका एक्सरे वगैरह होना है, तो देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो चलिए फिर घर पहुँचते हैं और जैसे जैसे होगा आपके साथ दिल शेयर करती हूँ। चलिए चलती हूँ अब। हाय एवरीवन, तो मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी है। बाद में बस वही आपसे जो बात किया है, उसके बाद कुछ ऐसा हो गया कि बस क्या ही बताऊं। बस यूँ कह लीजिए कि आज मैं जिंदा हूँ, आपके सामने हूँ। तो आप लोगों की दुआओं की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से, मेरे इन बच्चों के भविष्य के लिए, मेरे बच्चों के भाग्य से, मेरी फैमिली के भाग्य से, मेरे अपनों के आशीर्वाद से मैं आज आपके सामने हूँ, बैठी हूँ, फिर से बात कर रही हूँ। कृष्ण का हाथ है ये, देखिए कृष्ण के हाथ जो है जुड़ गए हैं, प्लास्टर जो है निकल गया है। ये कैसे, ये वाला लगा दिया है 2 हफ्ते के बाद, इसे ऑलरेडी हम काट के निकाल देंगे। तो वहाँ हॉस्पिटल में मैंने कहा था ना जॉब से निकलने के बाद कि मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी, जो भी हुआ वहाँ पे बताऊंगी। कुछ नहीं कर रिकॉर्ड हुआ, कुछ नहीं बता पाई। इनका हुआ कल, ऐसा नहीं है कि सॉरी नहीं हुआ, इनका हुआ। लेके गए थे इनके पापा हॉस्पिटल और सब कुछ हुआ, वहाँ पे एक्सरे हुआ, दोनों हड्डियाँ अच्छी हो गई हैं, ठीक हैं, जुड़ी गए हैं, हाथ भी सीधा है। ये एक छोटा सा उन्होंने बांधा है, इसको हम अपना घर में ही बोला है उन्होंने 2 हफ्ते के बाद निकाल देना। अब ये तो इनकी बात होती है, बट वाट, यस 2 हफ्ते 2 वीक्स। तो मेरे साथ हुआ यूं कि बस आप लोगों का आशीर्वाद था, प्यार था, जो मैं आपके सामने आज बैठी हूँ, वरना शायद मैं कल ना बचती। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा थी, कोई मेरे पर ग्रह था जो कट गया, या कहूँगी कि ईश्वर ने हाथ लगा लिया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे महादेव मेरे सामने खड़े हों, भोले बाबा मेरे सामने खड़े हो गए हों आके, भगवान रामचंद्र जी मेरे सामने खड़े हों। मुझे बाहर का कुछ दृश्य नहीं दिखा। आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का आशीर्वाद है जो मैं आपके सामने हूँ। आज मैं इतना बोलने की स्थिति में नहीं हूँ कि आपको पूरी बात समझा पाऊँ। कल मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और मैं हॉस्पिटल पहुंच गई थी, एम्बुलेंस लेकर गई थी। मेरी गाड़ी का तो पर कच्चे उड़ गए हैं, बाहर से मतलब गाड़ी डैमेज हुई है ज़्यादा। और मेरी गाड़ी जो थी होंडा जैज है, तो वो बहुत ही सेफ होती है गाड़ी, अंदर से भी सेफ है, पर लेकिन इंजन बहुत छोटा होता है। जितना इंजन छोटा होता है उतना ही पास से आपको क्लोजली चोट लगने की ज़्यादा डर रहती है, क्योंकि बोनट बोनट नथिंग होता है उसमें। वो जो आपका डैशबोर्ड होता है उसमें कुछ भी तो नहीं होता, छोटा सा वो बोनट होता है। तो छोटे इंजन की गाड़ी है, तो यस आगे की बात आपको बाद में बताऊंगी। बस यही है कि कल एक्सीडेंट हो गया था मेरा कार से जॉब से आते समय। अभी मैं ठीक हूँ, आज घर आ गई हूँ, घर शाम को ही आ गई थी, लेकिन
अभी मेरी हालत ये है कि मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती, मेरे सीने वने में बहुत चोट आया हुआ है, तो इस वजह से आपको बाकी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी। तो चलिए फिर, अपने दुआओं में याद रखिएगा, आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए अपना, बस यही उम्मीद करती हूँ। नमस्कार आप सभी को, राम राम। फोन का हाय एवरीवन, नमस्कार सलाम राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू इंडियंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। कैमरा थोड़ा नीचे कर दो, देखिए बहुत ऊपर जा रहा है। तो जो आगे वीडियो भी आपने देखी थी, उस दिन के बाद से मैं बता रही हूँ अब आपको डिटेल्स कि आगे क्या हुआ था। वो तो मैंने हॉस्पिटल से बस आने के बाद थोड़ी सी क्लिप सोचा कि मैं रिकॉर्ड करके सारी बातें शेयर कर दूँ आपके साथ, बता दूँ कैसे कैसे क्या क्या हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैं इतना भी नहीं बोल पा रही थी उस दिन तो। और अब वहाँ से आगे की कहानी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ये बताने से पहले बस इतना जान लीजिए कि किसी ये एक मेडिकल से कम नहीं था उस दिन मेरे साथ। मुझे खुद भी आज भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं इतने बड़े संकट से निकल के बाहर आई हूँ। बस आपके सामने बैठी हूँ, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे फिर से देख पा रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं बड़ों की दुआएं, बड़ों का प्यार, आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का, मेरे पति का भाग्य कि आज मैं आपके साथ बैठी हूँ। अदरवाइज जो सिचुएशन उस दिन थी, उससे नहीं कोई अंदाज़ा लगा सकता था कि ड्राइव करने वाला या अंदर का कोई बचा हुआ होगा। तो लेकिन बहुत बहुत कृपा रही भगवान की कि हम जो है सेफ आपके सामने बैठे हैं। और यस, मेरे साथ कोई बच्चे नहीं थे, कोई फैमिली का मेंबर भी नहीं था उस दिन। बस भगवान से यही बहुत बड़ी कृपा रही, प्रार्थना रही मेरी कि कुछ मेरे साथ, अगर जीवन में पहली बार ऐसा कुछ घटा तो मेरे साथ मेरा परिवार का कोई नहीं था। मैं हमेशा यही मनाती थी कि हे ईश्वर, कभी मेरे साथ अगर कुछ भी कहीं भी सड़क पर हो तो मेरे बच्चे, मेरी फैमिली कोई ना हो, अदरवाइज मुझे तो जो होगा वो तो बाद की बात है। उनको कुछ हो जाएगा या उनको कुछ हो जाता तो मैं शायद अपने आप को कभी माफ़ ना कर पाती, कभी जी ना पाती उनके बिना। और ईश्वर ने इसी बात की मेरी लाज रखी। आगे दूसरा एक और प्रार्थना था, रहता है हमेशा, कि मेरे गाड़ी से कभी किसी का नुकसान ना हो या मेरे हाथों कहीं किसी का नुकसान ना हो। मेरी गाड़ी तो छोड़ दो, मेरे हाथों से भी कभी किसी का नुकसान ना हो। बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। अभी मैं आपको जो जो बताऊंगी उस दिन का हालत, उससे आप भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि उस दिन क्या नहीं कुछ हो सकता था। लेकिन भगवान ने, ईश्वर ने मुझे हर एक कलंक से उस दिन बचा लिया और अपना हाथ लगा दिया। ये मेरे लिए किसी मेडिकल, किसी जादू से कम नहीं था। सॉरी, मुझे ऐसे किसी के सामने रोने की आदत नहीं है, लेकिन जब आपके साथ कुछ ऐसा होता है ना, तो आपको
अपनी आस्था पर और भरोसा हो जाता है। खैर चलिए, अब मैं आती हूँ उस बात पर कि उस दिन क्या हुआ। तो हुआ यूँ कि मैंने वो तो रिकॉर्ड किया ही कि मैं अब निकल रही हूँ जॉब से, वहाँ तक तो आपने देखा। कैमरा मैंने ऑफ किया, मैंने बैग में डाला। लकली मैंने उस दिन कैमरा भी ऑन नहीं किया था, ऑन करके नॉर्मली मैं डैशबोर्ड पे लगा देती हूँ होल्डर में जब मुझे बाहर का कुछ रिकॉर्ड करना होता है। लेकिन मैंने कैमरा उस दिन फोल्ड करके डाल दिया अपने बैग में, अपना मोबाइल डाल दिया जो मेरा डेली टॉक वाला होता है मोबाइल, एप्पल वाला, वो भी डाला और बस अपने राह को जैसे रोज़ निकलती हूँ निकल पड़ी। और मेरी एक आदत है कि जब मैं कभी म्यूज़िक नहीं लगाती हूँ तो नॉर्मली मैं कैमरा जब डैशबोर्ड पर लगा देती हूँ ताकि आपको बाहर की सीन दिखा सकूँ कुछ, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने सोचा कि अब यहाँ से मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, स्टार्टिंग कर दिया था ब्लॉग का, उसके बाद मैं आगे आपको जैसा जैसा दिन होता, रामकृष्ण का ही मेन, कृष्ण का ही मेन पर्पस था कि बैंडेज वगैरह चेंज होगा, आपको दिखाऊंगी। चल पड़ी। तो मेरी एक, मैंने बताया मेरी एक आदत है, कह रही थी तो उसी में बच्चे आ गए। आदत ये है कि मेरे गाड़ी में टेप लगा हुआ है, आप कैसेट भी लगा सकते हो, MP3 वगैरह सब लगा है, ब्लूटूथ भी है, लेकिन मैं कभी गाड़ी में गाना लगा के या कुछ भी लगा के म्यूज़िक वगैरह नहीं चलती हूँ, क्योंकि बाहर की आवाज़ें मुझे नहीं आती हैं, मेरा जो है ध्यान जो है डिस्ट्रैक्ट होता है, तो इसलिए मैं नहीं लगाती कि मेरा ध्यान ना भटक जाए। रेदर देन मैं अपना खुद गाती हूँ, खुद गा रही थी मैं, और गाना भजन भी, भजन गा रही थी मैं सुबह सुबह, वही होता है अपने आप ही भजन गाती हूँ। अब इवन मैं बच्चों को छोड़ने भी जाती हूँ, इनसे सब ये सब कोई नहीं बोलते गाड़ी में, मैं अपना भजन गाती हूँ, इनको सुनाती हूँ, हंसती हूँ, इनसे टॉक करती रहती हूँ ताकि मुझे कहीं नींद ना आए, क्योंकि वो रात भर का थका बंदा और काम से आने के बाद घर का काम, उसके मतलब बच्चों को रेडी करना, उनको जो है स्कूल लेकर जाना सबको, तो इसलिए मेरा जो है मैं कहीं मतलब आँख मेरी ना झप जाए तो मैं अपना खुद गाती रहती। तो उस समय भी मैं एक भजन ही गा रही थी, एक ट्रैफिक लाइट आई, वहाँ रुकी मैं, उसके बाद ट्रैफिक लाइट पे, बिकॉज जब उधर से कोई आने जाने वाले बटन दबा देंगे तो आपका रेड लाइट हो जाएगा, गाड़ी रुक जाएगी, रेड लाइट पे गाड़ी रुकनी ही रुकनी है, क्रॉसिंग के लिए वो अपना होता है, क्रॉसिंग लाइट होती है उनका, दबाया मैं वहाँ रुकी, उनको क्रॉस दिया, उसके बाद जब ग्रीन लाइट हुई हमारी तब मैं फिर चल दी। सामने उधर साइड में मेरे राइट हैंड जिधर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसी तरफ एक बस खड़ी थी, तो मैंने कहा लगता है ये बस रात में ख़राब हो गई क्या, यहाँ पे खड़ी हुई है, देखो इतनी बड़ी बस, पता नहीं है इसके पैसेंजर कहाँ गए होंगे, ये मैं सोच के मान मन में यही मैं सोची और यही भजन गा रही थी। और मेरे भजन का बोल यही था कि कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अश्वतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। यही इतना शब्द मैंने फिनिश किया था और इतनी जोर का ब्लास्ट हुआ गाड़ी के अंदर कि मैं आगे देखूं, पीछे देखूं, लेफ्ट देखूं, राइट देखूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, और मेरी गाड़ी लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, मुझे कुछ नहीं पता, जैसे एकदम मैं शून्य में चली गई, मैं एकदम जैसे मैं उतने देर के लिए मर गई, मेरी चेतना एकदम से गायब हो गई। वो आवाज़ इतना भयंकर मेरी गाड़ी में हुआ और मुझे लगा कि कुछ फट गया, कुछ जल गया, मैं गाड़ी में जल गई, और बस मेरे पता नहीं कहाँ से एक धुंधली सी मुझे जो है एक कुछ ऐसे धुंधला सा ही केवल आया मेरे दिमाग में, एक मेमोरी, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का चेहरा। उसके बाद जाने क्या हुआ मुझे कुछ नहीं, मेरे जैसे सेंस ही गायब हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया उसने टाइम तक, जैसे लगा कि मैं एक पल के लिए
मर गई हूँ और मुझे चेतना तब आई जब मैंने अगल बगल से लोगों को दौड़ के आते हुए अपनी तरफ देखा और धुआं सा हो रहा था गाड़ी के अंदर। वो धुआं चाहे एयरबैग का रहा हो, चाहे वो जो ब्लास्ट हुआ उसका रहा हो, कुछ धुआं था नहीं मालूम। मुझे लगा कि जो सामने से वैन मेरे से जो टकराई थी वैन, मैं तो सीधे जा रही थी अपने लाइन में और उधर से आके उसने मुझे ठोकर मार दिया। टक्कर मारा जब तो मेरा एयरबैग फटा। तो मैं कह रही हूँ, एक तो इधर में घुस आया, किसी ने मुझे जो है ठोकर मारा, किसी ने मुझे जो है मतलब बम्प किया मेरी गाड़ी को, और यही इतना बक बक रही थी मैं। आई डोंट नो क्या हुआ, आई डोंट नो क्या हुआ, आई डोंट नो, मतलब यही बता रही थी सब। मतलब वो लोग मुझसे पूछ रहे थे, मुझे कुछ भी सेंस नहीं था। लेकिन जब गाड़ी टकराई, मतलब गाड़ी के अंदर मेरे ब्लास्ट हुआ, तो केवल इतना ही मुझे ध्यान है, इतना ही आया, और ये आया कि मेरी गाड़ी में आग लग गई है, मैं जल गई इसमें और अब कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं याद है, कुछ सेकंड का वो अंतर था। अब देखिए, उस टाइम पर मेरी गाड़ी के सामने से, या तो कभी कभी होता है जब आप गाड़ी चला रहे होते हो, वहाँ पे जस्ट 30 माइल स्पीड लिमिट थी। 30 माइल का मतलब आप 40 किलोमीटर की रफ्तार समझ लीजिए इंडियन स्पीड लिमिट के हिसाब से, 40 की रफ्तार रही होगी गाड़ी की। लेकिन 40 की रफ्तार में भी मैं कम चलाती हूँ, मैं वहाँ भी स्लो चलाती हूँ। 30 माइल स्पीड लिमिट थी, लेकिन मैं हिल्स की तरफ से डाउन हिल पर आ रही थी। तो जब आप डाउन हिल की तरफ आते हो तो आपकी गाड़ी जो है, गाड़ी हो या साइकिल हो, ऑटोमेटिकली रोल करता है। आपको पैंडल मारने की या एक्सीलेटर दबाने की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पे। अगर आप एक्सीलेटर दबाओगे तो 30 माइल की स्पीड लिमिट से वो ओवर चली जाएगी, मतलब स्पीड जल्दी बढ़ेगा ऑटोमेटिकली उसका। तो मेरी गाड़ी भी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिकली ही स्पीड बढ़ता जाता है। जब आप बराबर समतल ज़मीन पर आ जाते हो तब जो है गाड़ी का स्पीड आप मेंटेन कर सकते हो। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं हमेशा जो है अपना पैर हटा लेती हूँ एक्सीलेटर से और हल्का सा ब्रेक लेकर चलती हूँ, कि ऐसा ना हो कि गाड़ी ज़्यादा तेज भागे। और क्योंकि यहाँ पर अगर बहुत सारे कानून नियम्स हैं कि अगर आप जो है स्पीड लिमिट के अंदर नहीं चले तो भी आपको पनिशमेंट मिल सकता है, तो भी आपके लाइसेंस पे पॉइंट मिल सकता है, तमाम तरह की बातें होती हैं। तो अगर 30 है तो 29 चल लो, इट्स ओके। लेकिन अगर 30 है, आप 35 जा रहे हो, 40 जा रहे हो, तो दैट्स द रॉन्ग। तो इसीलिए मैंने अपना पैर हटा रखा था, हटा रखती हूँ हमेशा। उतनी स्पीड में नहीं थी गाड़ी। अब देखो कि जिस इंसान को सेंस ही नहीं है कि उसकी गाड़ी दाहिने जा रही, बाएं जा रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है। अब मेरी गाड़ी फुटपाथ पे जा सकती थी, कि मेरी गाड़ी दाहिने को चली गई, रॉन्ग लाइन में चली गई। यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइविंग होती है, मैं अपने लेफ्ट से जा रही थी, आने वाले बंदे अपने राइट से आ रहे थे, वो अपने लेफ्ट, वो उनका लेफ्ट था, ये मेरा लेफ्ट था। अब जब लेफ्ट की गाड़ी राइट को गई तो जो जो राइट में आने वाले थे, ऑब्वियसली वहाँ टकराएगी है ही गाड़ी, उसने ब्रेक लगाया, उससे मेरी गाड़ी जो है जाके ठोकी, और उसके पीछे जो गाड़ियाँ थीं वो भी ठोकती गई आपस में एक दूसरे से, बिकॉज अचानक से ब्रेक लगाने पे तो डैमेज होगा ही। तो उसके पीछे दो गाड़ियाँ और लड़ी। लेकिन जो मेरे वैन से, मेरा जो सामने वाला वैन जिससे मेरी गाड़ी टकराई, हम दोनों का ज़्यादा हुआ। गाड़ी का नुकसान तो बाहर से ज़्यादा हुआ ही, देखने में अंदर से कुछ ऐसा टूटा फूटा नहीं था। हाँ ये था कि मेरे डैश कैम और जितने कैमरा वगैरह सब जो लगे थे, क्योंकि कैमरा लगा के हम लोग चलते हैं अक्सर गाड़ियों में, वो सब टूट गया था। मुझे जो है चोट जो है ऐसे अंदरूनी जैसे विजिबल नहीं है चोट,
टूटा फूटा कहीं नहीं, लेकिन पूरा धूस सा गया है ये सब, पूरे चेस्ट पर यहाँ ये सब पूरा ब्लैक हो गया है, क्योंकि सीट बेल्ट था, एयर बैग फटा होगा तो वो भी पावर से फटता है सामने आके एकदम से लड़ा तो। यस, उसके बाद तब मेरा जाने कैसे मेरे गाड़ी से ही मेरा मोबाइल भी कनेक्ट था, तो अपने आप ही जो है मेरा मोबाइल इमरजेंसी कॉल पे चला गया। जब गाड़ी लड़ती है तो मोबाइल को, क्योंकि एप्पल है ना, तो उसको सेंस हो जाता है कि उसे क्या करना है, वो उसने ऑटोमेटिकली ही एम्बुलेंस पुलिस सबको कॉल किया कर दिया। मोबाइल ने मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, मेरा कॉल ऑलरेडी जा रहा है हर जगह, और पुलिस भी आ गई, एम्बुलेंस भी आ गया, और बाहर के जो लोग होते हैं वो लोग भी जो है अपना पुलिस को और एम्बुलेंस को सबको बुलाए। तो जब एम्बुलेंस और पुलिस और लोगों आए होंगे तब मुझे जो है ये लगा कि मेरे इर्द गिर्द कोई आया था, मुझे होश आया। मैं निकल के गाड़ी का डोर खोल के बाहर आई, और उसके बाद लोगों से बात किया, जो है एम्बुलेंस आई मुझे लेकर, फिर हॉस्पिटल गए क्योंकि वो चेक करते हैं इंजरी वगैरह सारा कुछ, अब उनकी प्रायोरिटी वहाँ से आगे हो जाती है। तो लकली यही था कि बच्चे नहीं थे, फैमिली कोई नहीं थी, जस्ट जॉब से अपने निकली थी, नॉर्मल रोज़ जैसे आती हूँ वैसे आती हूँ। यहाँ पे भी आने के बाद बच्चों को रेडी करती हूँ, उसके बाद उनको स्कूल छोड़ने जाती हूँ। बहुत ही 4 सालों से गाड़ी चला रही हूँ मैं, कुछ ऐसा नहीं हुआ, कभी मैंने अपनी गाड़ी में इतना सा खरोच नहीं आने दिया है कि आज तक मेरी गाड़ी में कभी कहीं कहीं से खरोच आया हो, कहीं ठोकर लगी हो। लेकिन बस वही था कि जो होना था हुआ, और लकली मैं आपके सामने बैठी हूँ आज, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। अभी तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, गाड़ी जांच में गई है कि वो पुलिस वाले अपने कब्जे में लेकर उसको जांच करते हैं अपने गैराज में ले जाके, फिर वो उसमें देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस सिचुएशन में वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कैसे हुआ क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं आ रहा है याद, मैं क्या उनको बताती, बस मैं यही कह रही थी समथिंग ब्लास्ट हुआ। लेकिन अभी तक तो कोई आया नहीं है दोबारा से इंटरव्यू वगैरह या उसका मतलब बयान वगैरह लेने। तो यस, ऐसे रहा। उसके बाद फिर वहाँ तो कोई रिपोर्ट नहीं निकली, जो धूसे थे जो ब्रूजेज हैं वही सब हैं, लेकिन हाथ वाथ थे सब कुछ नहीं उठ रहा है। और उसके बाद फिर उसी दिन जो है कृष्ण को जो है बैंडेज के मतलब प्लास्टर खुलना था, वहाँ भी लेकर जाना था, तो माँ बेटे दोनों हॉस्पिटल पहुँच गए। तो ऐसे था, ईश्वर ने बचाया, हाथ लगाया, मानो महादेव जी आके भोले बाबा आके सामने मेरे खड़े हो गए, वरना मेरी गाड़ी से के नीचे कोई आ भी सकता था। फुटपाथ पे गाड़ी चली जाती, और फुटपाथ जो है पब्लिक के चलने का होता है, वॉकिंग होता है, वो उस पर गाड़ी जा सकती थी, अगर कोई उस पर चल रहा होता गाड़ी उस पर चढ़ जाती, लेकिन गाड़ी मेरी रोड पर ही थी, गाड़ी किसी एक गाड़ी को हिट करी, या उधर से कोई लॉरी आ रही होती, लॉरी ही मान लो, अगर लॉरी से मेरा टक्कर होता तो क्या होता। छोटी सी गाड़ी है, छोटे इंजन की है, मेरा वही होंडा जैज है, सेफ तो होता है ये गाड़ी, लेकिन जो है जब ठोकर लगती है इसको और एक्सीडेंट होता है यहाँ पे, तो पूरे हालत ख़राब हो जाते हैं, कोई बचने का किसी का उम्मीद नहीं होता यहाँ के एक्सीडेंट में। वो तो कहो मोटरवे पे कहीं नहीं थे, जस्ट 5 मिनट के डिस्टेंस में मेरा जॉब है। अगर आप कार से जाते हो, वैसे तो हाफ एन आवर लगता है वॉकिंग का, लेकिन अगर कार से जाते हो तो हाफ एन आवर नहीं 5 मिनट लगता है। तो यस, ऐसे गया अब तक का टाइम, बस रेस्ट कर रही हूँ। पर इतने सारे ट्रामा हैं, वो ट्रामा से निकल पाना मेरे लिए असंभव है। अगर मेरी गाड़ी से कोई अगर कुचल जाता उस दिन, तो मैं तो जीते जी मर जाती, जीवन भर उस गिल्ट से मैं कभी बाहर ही ना आ पाती। क्योंकि जब अगले को, सामने वाले को सेंस ही नहीं है, स्टेयरिंग उसका जो है कंट्रोल ही गाड़ी से चला गया, तो वो क्या करता क्या पता।
मेरी गाड़ी कहाँ किसको हर्ट कर सकती थी, क्या पता उससे ज़्यादा कुछ हो सकता था, क्या पता, मुझे कुछ नहीं पता ना। ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया, इसीलिए कहते हैं आपके कर्म, आपके किए हुए कर्म ही आपके साथ आके खड़े होते हैं। कुछ रहे होंगे अच्छे कर्म मेरे, जो ईश्वर ने मेरा साथ दिया, मेरे बच्चों का भाग्य था कि आज मैं आपके सामने बैठी हूँ नॉर्मली। उस सीन मुझे भूल नहीं रहा है। तो चलिए फिर, बस यही अपडेट करना था आप लोगों को। मैंने एक छोटे से पोस्ट के ज़रिए बता दिया था कि ऐसे ऐसे हुआ, आप लोग परेशान थे, तो उसके बाद की यही घटना थी। अभी भी मैं ज़्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ कि ये सब, ये मेरा कट गया था क्योंकि दांत मेरा बैठ गया ना एकदम से, जब मुझे सुध गया, मेरा होश होश एकदम उससे गया, तो फिर वो दांत एकदम बैठ गया था, तो ये सब मेरा कट गया है। बॉडी में बहुत दर्द है, गर्दन भी नहीं घूम रहा है। तो चलिए फिर, दुआओं में याद रखिएगा, आप प्रीति अभी आपके सामने है और आज फिर से आप अपनी प्रीति को देख पा रहे हैं, बस यही शुक्र मनाइए। अपना आशीर्वाद, अपना प्यार बस यूं ही साथ रखिएगा, सब ठीक होगा आगे भी। सबको नमस्कार, राम राम, मिलती हूँ आपसे फिर जल्दी से, स्वस्थ होके, ठीक होके, अच्छे मन से इंतज़ार करिएगा। बाय बाय।